नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। भाजपा नेता ते राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक पहुंचे गुरदासपुर, कीते कांग्रेस पार्टी ते तिखे हमले, आम आदमी पार्टी ने भी लिया लपेटे विच। दस दिए कि जिस बिल का विरोध पूरे देश के दे किसान करते दिखाई दे रहे हैं, उस MSP बिल नू किसान हितैषी दसन दे लई भाजपा के राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक प्रैस वार्ता करन पहुंचे गुरदासपुर। इस मौके उन्होंने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ते किसानां नू गुमराह करन दे आरोप लगाए। उत्थे उन्हां दा कहना सी कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल दे जरिए मोदी सरकार दा मनोबल बढ़ाउण दा काम कीता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल नू लैके आत्म निर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहना सी कि कांग्रेस दे 70 साल दे कालज विच कोई भी करके नहीं दिखाया, जबकि मोदी सरकार ने अपने कुछ ही सालों में करके दिखाया है। उन्होंने कहना सी कि MSP का फैसला जड़े किसान नू मंजूर नहीं, वो पहले रास्ते ते चल सकता है। उत्थे ही पेट्रोल अते डीजल दीयां वध रहीयां कीमतां नू लेकर श्वेत मलिक का कहना सी कि सरकार जिस भी राज्य में सरकार बनती है उस विच तेल दीयां कीमतां वधदियां घटदियां रहिंदियां हन, पर पंजाब सरकार तेल से अपने लगे टैक्स नू कटा सकता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में हर एक ने अपने टैक्स में रियायत दिती हुई है। उत्थे ही तेल माफिया के उपर बोलदिया उन्होंने कहा कि पंजाब में तेल माफिया सरगर्म है, चंडीगढ़ तो सस्ता तेल लिया के पंजाब में वेचिया जा रहा है। उत्थे ही अकाली दल के नेता बिक्रम जीठिया के बयान से केंद्र नू तेल ते कुछ छोट देनी चाहिए उपर बोलदिया होया मलिक ने कहा कि बिक्रम जीठिया अकाली दल का नेता है, ना कि भाजपा का। कुछ भी कह सकते हैं, भाजपा का अकाली दल नाल केवल गठजोड़ है। आगामी चुनावों में लेके असी गठजोड़ से ही चुनाव लड़ांगे। पहला जो विषय परमिंदर जी ने तुहानू क्लीयर करता कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है, ये तथ्य बोलते हैं। मैं तथ्य के नाल गल करांगा कि किसान अंदोलन करते रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, स्वामीनाथन रिपोर्ट का असी सब जानते हैं। तुसीं प्रश्न करते रहे कांग्रेसियों नूं, 70 साल लंबा शासन कुशासन कहाँगा मैं, शासन जो कहता सीगा कुशासन सी वो कांग्रेस का चलता रहा 70 साल, पर स्वामीनाथन रिपोर्ट या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी सी वो नहीं हुई। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किन्ने कीती ते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनल कीती, 1.5 गुना तो 2 गुना जिहड़ी सी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों नूं मिली और किसानों नूं एक तोहफा मिलिया। अच्छा, हर एक नूं पेंशन मिलती रही, बुढ़ापा पेंशन, शगन स्कीम, विधवा पेंशन। खैर कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने तो मुकाती आ गए जिस वेले साडी सरकार सी उस वेले मिलती रही पंजाब दे विच। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्होंने किसानों की पेंशन लाई है कि 6,000 रुपए 2,000 रुपए की किश्तां जिहड़ियां ने वो पेंशन जिहड़ी है वो मिलती है। अच्छा, इत्थे असीं देखते रहे हैं कि जिस वेले किसान ने यूरिया लैना हुंदा सी ते जेब विच पैसे हुंदे सी ते सिर ते डंडे पैंदे सी, क्योंकि ब्लैक मार्केट जिहड़े कांग्रेसी सी जिहड़े कि जमाखोर कांग्रेसी सी वो जमाखोरी कर लैंदे सी और किसानां नूं यूरिया नहीं सी मिलता और डांगा मिलदियां सी पुलिस दियां। ये अज कोई पुराना समां नहीं होया, सानू याद है कि इत्थे की हुंदा रहा इस देश दे विच। अज यूरिया नीम कोटेड बिल्कुल किसी तरह की कोई कमी नहीं है, एन रिजर्वड प्राइस के उत्ते यूरिया जिहड़ा मिलता है। सो ये छज ते बोले छानी बोलती है जिदे 1,006 का किसान नू गुलाम रखिया कांग्रेस ने 70 साल, किसान दबदा रहा, किसान पिसदा रहा, और अज जे किसान नू आज़ादी दिती है तो वह भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जिहड़ी है वह ये एक्ट के जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस आ रहे हैं वो ऑर्डीनेंस मैं चाहूँगा तुसीं नोट कर लो जी उन्हां दा नाम, क्योंकि वह प्रेस नोट च नहीं है, मैं वैसे नोट कराना चाहना। असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डीनेंस, असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डीनेंस, कि ये की है कि जिदा पहले पाबंदी सी कि तुसी गोदाम नहीं बना सकते, वेयर हाउस नहीं बना सकते, मंडी नहीं बना सकते, किसानों नूं पूरी आज़ादी देती है कि तुसी अपना अनाज जिते चाहो स्टोर कर सकते हो, तुसी वेयर हाउस बना सकते हो, तुसी गोदाम बना सकते हो। हुण हुंदा की है किन्ना अनाज जिहड़ा बारिश खराब हो जाता, गोदाम भर जाते हैं, किसान बेचारा अपनी फसल लैके बैठा हुंदा और उहदी मेहनत की जिहड़ी कमाई है वह पानी च रुड़ जाती है। ऐसा नहीं होएगा,
ਇਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਘਰ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। APMC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ APMC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 162 ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25% ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 75% ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ, 7-7, 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 34% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 64% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 66% ਔਰ 34% ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਾਊਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਫਾਰਮਰਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ 1.5 ਗੁਣੀ ਤੋਂ 2 ਗੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੱਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-12 13-13 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ? ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਧੇ ਸੀਗੇ, ਘਟੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਈ ਜਸਟ ਟੇਕ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਕੌਂਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ 18,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ 33 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ 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 ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅੱਜ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੈਪਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ 62 'ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਇਹੀ ਚੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, BJP ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पार्टियां अलग अलग ने साडा अलायंस है मिनिमम कॉमन प्रॉब्लम प्रोग्राम के उत्ते मर्जर नहीं है। मजीठिया साहब अपनी कोई भी राय दे सकते हैं। असी गल की कॉर्पोरेट जगत के सारा सिस्टम होंगे पेट्रोल ज्यादा तो नहीं लगता कि केंद्र सरकार स्टेट दी सरकार मिलकर जो अपना टैक्स लाते वो छोड़ देते जिसके करके 10-15 रुपए तो लीटर सस्ता हो। ऐसा है कि मैं सब तो पहले क्वेश्चन करना कि पंजाब की सरकार छोड़ क्यों ना दे सब तो वैट पंजाब अज पंजाब का जो वैट है हिमाचल घट हरियाणे घट चंडीगढ़ घट उस तो बाद कोई ले लो नेबरिंग स्टेट घट है। और सब तो वड्डी गल की है कि तेल माफिया पहले तो सुनिया रेत माफिया फिर आ गया शराब माफिया अमरिंदर सिंह और अभी सरकार नवा आ गया तेल माफिया कि चंडीगढ़ों आके तेल जोड़ा है वह पंजाब विकता है या हरियाणे तो आके तेल जोड़ा पंजाब विकता क्यों तो सब तो वह वैट जोड़ा है वह पंजाब ही लगा हुआ है फिर टैक्सेज फैडरल सिस्टम है ये फैडरल सिस्टम के बीच यूनिफॉर्म टैक्सेशन जो तो कहते हैं जेतली साहब स्वर्गवासी हो गए मैं उस पार्लियामेंट के हाजिर थी जिसे जेतली साहब ने कहा कि GST लियाओ जो तुम कह रहे हो असी भी कहा यही कह रहे हो कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जेतली साहब ने पूरी स्पीच सारी GST काउंसिल और सारी स्टेटा पार्लियामेंट लोगों कहा तो मैं थोड़ा बेनती करना वा कि इन पेट्रोल और डीजल में GST लियाओ स्टेटा नहीं बनी। सर बेनती मैं हम कहता नोटबंदी वेले किसी को भी पूछा गया सिर्फ सरकार का फैसला सीगा उधर बाद GST वेले भी किसी को भी पूछा गया सरकार का फैसला सीगा सिर्फ पेट्रोल ते डीजल ही क्यों बाहर आ जांदा तो वास्ते बेनती क्यों करनी पैंदी ऐसा है कि GST सरकार का फैसला नहीं सी GST 2005 तो चल रहा सी और ये लोगों का फैसला सी लोग कह रहे थे यूनिफॉर्म टैक्सेशन कर दिस वॉज द डिमांड ऑफ द पीपल कांग्रेस फेल्ड टू फुलफिल कांग्रेस ने 2005 शुरू किया चिदम्बरम फेल हो गए वो फेल होने का कारण की सगा कि स्टेट्स में उन्होंने अश्योरेंस दी कि अभी तुम वापस करना स्टेटा ने उन्होंने विश्वास ही नहीं किया साड़ी सरकार ते स्टेटा ने विश्वास किया कंसेंसस डेवलप होया तो GST लगी तो जो कुछ हो रहा है लोगों की डिमांड और लोगों के लिए हो रहा है ये अज ये भी मैं लैके आया किसानों का तो ये तो कोई रोक नहीं लगी पुराना सिस्टम है वो जे फलॉज है असी बदला कर ये बदलाव वाली सरकार है जो 370 हटाई है तो डिमांड कदों तो आ रही थी जी 370 हटा की अब 3333 हटाया डिमांड कदों तो आ रही थी 3333 हटा की पावर नहीं सी इच्छा शक्ति नहीं सी अब नागरिक संशोधन संशोधन बिल आया कदों तो डिमांड आ रही थी अभी राम मंदिर की डिमांड कदों तो आ रही थी दरबार साहब करतारपुर साहब की डिमांड कदों तो आ रही थी 70 साल तो आ रही थी पूरी किने की ये फैसले करने वाली सरकार है। बिल्कुल कट्ठे लड़ांगे जी ये तो उस वे हाईकमांड का डिसीजन है जी क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैंबर नहीं है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा जो साड़ी हाईकमांड फैसला करेगी BJP के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता ने असी उदे मुताबक लड़ाई लड़ा मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दिस इज नॉट माय प्रोवोकेटिव दिस इज द प्रोवोकेटिव ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड दे विल डिसाइड एंड जो डिसीजन करेंगे वो सानू सबनों जिन्हें असी सिपाही हाँ जो जरनैल सानू हुक्म करेंगे असी तो बॉर्डर से लड़ाई लड़नी है लड़ाई डट के लड़ांगे और कांग्रेस नाँ का जो है कलंक अज लग गया है पंजाब के उत्ते ताला लग गया पंजाब के विकास के उत्ते ये जरूर खुलेगा। सारा सिस्टम पुराना है सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स कीतियां ने जिहड़े के किसान स्टोर नहीं सी कर सकदा स्टोर करेगा किसान बाहर नहीं सी बेच सकदा बाहर बेचेगा असीं ते अडिशनल किसान फैसिलिटीज दी है बाकी सारा सिस्टम पुराना ही है कोई सिस्टम नहीं बदल लिया।